दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और मध्य प्रदेश पवेलियन में मैं मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस स्टॉल पर हमारी मौजूदगी है ये स्टॉल मध्य प्रदेश पवेलियन में लगा हुआ है जिसका नाम है बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये लगाया गया है और इसकी जो फाउंडर हैं वो पूजा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पराली जिस पराली की चर्चा पूरे दिल्ली NCR में इन दिनों हो रही है, प्रदूषण की जो मात्रा दिल्ली में बढ़ी है उसी के लिए पराली की चर्चा है और पराली पे मशरूम की ये खेती करते हैं और वहाँ से ये प्रोडक्ट बनाया जाता है और इसके साथ ही आप छोटे छोटे कटोरी के शेप में जो ये देख रहे हैं मेरे हाथों में ये भी पराली से बनाया गया है। लोग इसको घरों में लगाते हैं, इसमें प्लांटेशन जो छोटे छोटे इंडोर प्लांट होते हैं वो लगाए जाते हैं। और क्या कुछ खास है इस स्टॉल पर, क्योंकि प्रदूषण की मार राजधानी वासी इन दिनों झेल रहे हैं और ऐसे में ये बहुत ही एक इनोवेटिव आइडिया है कि जो पराली किसान जला देते हैं उसका इस्तेमाल करके कुछ बनाने की कोशिश है और उसको अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के माध्यम से रखा जा रहा है। पूजा जी इस कंपनी की जो फाउंडर हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने तो एक ऐसा ये लेकर आया कटोरी कि पूरे पराली की समस्या ही समाधान हो जाएगी अगर सरकार इस पर काम करे, इसके पीछे क्या मकसद है, कैसे आपके दिमाग में आया, क्यों आपने ऐसा बनाया और क्या कुछ विशेष है थोड़ा बताइए। हाँ, थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर पूजा दुबे पांडे है, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, मेरा MSc PhD बायोटेक्नोलॉजी में ही है। मेरी पढ़ाई इसी फील्ड से थी, बायोटेक्नोलॉजी से, तो मैंने सोचा कि मेरी पढ़ाई को मैं कहाँ पर यूज़ करूँ मेरी बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज जो है। तो मैंने जो दो मेजर प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर, एक कुपोषण यानी मलन्यूट्रिशन और दूसरा पॉल्यूशन, उनको फोकस करके काम करने का प्लान किया। तो सबसे पहले नज़र आया मशरूम एज अ सॉल्यूशन, क्योंकि मशरूम की जो खेती होती है वो किसी भी क्रॉप रेसिड्यू जो भी एग्री वेस्ट है जिसको जला दिया जाता है या जिसको उपयोग नहीं करा जा सकता है उस पर करा जा सकता है मशरूम की खेती। और मशरूम अपने आप में एक सुपर फूड है। तो आज के टाइम पे मॉलन्यूट्रिशन की कमी इंडिया के अंदर है और प्रदूषण से भी इंडिया जो है हमारा भारत जूझ रहा है, तो मशरूम जो है इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो सकता था। ये सोच के मैंने मशरूम की सीड्स यानी जो स्पॉन होता है उसकी लेबोरेटरी चालू की, क्योंकि मेरा स्पेशलाइजेशन टिश्यू कल्चर, वायरस कल्चर इन चीज़ों में रहा है। अच्छा मैडम, ये जानना चाहूँगा कि ये जो स्टॉल है इस पे कौन कौन से प्रोडक्ट है वो थोड़ा दर्शकों को समझाइए। जी देखिए, सब ये हमारे पूरे काम का आखिरी प्रोडक्ट है। जब हम लोग मशरूम कल्टिवेशन करते हैं तो पराली या अलग एग्री वेस्ट जो भी होते हैं उस पर उगाते हैं मशरूम को, उसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और मशरूम जब उग जाता है उसके बाद भी जो वेस्ट बनता है प्लस पराली और अदर एग्री वेस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं और उससे ये प्रोडक्ट तैयार होता है जो आप देख रहे हैं। ये बायोडिग्रेडेबल है, बहुत लाइट वेट है, प्लास्टिक एंड थर्मोकोल का अल्टरनेटिव हो सकता है। मिट्टी के बर्तन फेंकने से टूट जाते हैं, ये नहीं टूटता, ठीक है। तो ये एक प्रोडक्ट है हमारा, इसको हम लोग एज अ फ्लावर पॉट, ये इस टाइप के जो शेप्स आप देख रहे हैं एज अ फ्लावर पॉट में इंडोर सेकेंडरी पैकेजिंग में भी लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत जल्द इसकी हम कोटिंग करके इसको फूड ग्रेड भी बनाने वाले हैं। तो इस पे पेंटिंग भी हो सकता है? हाँ, इसको हम कोटिंग कर देंगे फूड ग्रेड मटेरियल से, जिससे कि इसकी लिक्विड के वगैरह मटेरियल भी हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं। तो ये फूड में डिमांड आ रही है हमारे पास। अब जो आपकी एक सोच थी, एक छोटी सोच, उसको आप इस मुकाम तक लेकर आई हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लोग इसको देख रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? और दिल्ली में एक तरफ प्रदूषण से जनता झेल रही है और इसके पीछे जिम्मेदार पराली है, तो यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है खास करके पराली से बनाया गया पॉट को लेकर? जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग चाहते हैं पराली का सॉल्यूशन, लोग भी परेशान हैं, नाक में दम हो चुका है उनके, तो वो भी चाहते हैं कि आप लोग, हम जो जैसे स्टार्टअप्स हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल हो रही है, डिमांड आ रही है, कॉर्पोरेट बेस्ड ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो हमको MP स्टार्टअप की तरफ से यहाँ पे हमें प्रोवाइड किया गया ये स्टॉल और आई एम वेरी थैंकफुल टू MP स्टार्टअप एंड MP गवर्नमेंट कि हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली और हमें पब्लिक को हमारा काम बताने का और रिस्पॉन्स लेने का उनसे मौका मिल रहा है। और खाने पीने के प्रोडक्ट में क्या कुछ? देखिए मशरूम बनाने के बाद में लोगों को, फार्मर्स को समझ में नहीं आता मशरूम कैसे सेल करें, तो मशरूम को हमने ड्राई फॉर्म में, क्योंकि मशरूम को जब सुखाते हैं धूप में तो विटामिन डी बन जाता है, इसमें प्रोटीन रिच है, कैल्शियम रिच है, लेकिन एडिशनल इसका बेनिफिट हो जाता है कि आपको मशरूम से विटामिन डी मिलता है। तो इसी को आप सब्जी बना के इस्तेमाल कर सकते हो, इसकी भी बहुत अच्छी सेल हो रही है यहाँ पर, लोग सॉल्यूशन चाह रहे हैं मॉलन्यूट्रिशन एंड पॉल्यूशन का। और इसी को हमने सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाया सनड्राइड, तो इसमें हमारा 30 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है,
100 ग्राम में मशरूम पाउडर है, तो इसको भी हमने यूज़ किया है और अदर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ये एक हमारा सीजनिंग हमने बनाया है मशरूम विद मोरिंगा, यानी सम्मोर के नाम से। इसका टेस्ट एकदम मैगी मसाला जैसा है, तो इसकी भी अच्छी सेल हो रही है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग यहाँ पर। इस मशरूम से बना हुआ, मशरूम पाउडर एंड मोरिंगा पाउडर इनसे मिला के बनाया है। मेजर क्वांटिटी मशरूम पाउडर की है ताकि विटामिन डी और प्रोटीन लोगों तक पहुँचे। और ये थोड़ा इसके बारे में बताओ। हाँ, ये इंदौरी सेव जो आप सभी जानते हैं, लौंग के जो चलते हैं फेमस, अब इंदौर में लोगों को हैबिट है सेव खाने की, तो अब उस सेव को हेल्दी कैसे बनाया जाए, स्नैक्स को हेल्दी कैसे बनाया जाए, तो हमने उसमें मशरूम पाउडर डाल दिया। इसमें मशरूम पाउडर, जी जी, इसमें मशरूम, यही मशरूम पाउडर। लोग बोलते हैं मशरूम पाउडर को यूज़ कैसे करें, तो हमने एक एग्जांपल सेट करना था कि हमने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, इसीलिए हमने कुकीज़ भी बनाई है मशरूम की। ये मशरूम विद मिलेट्स हैं, आज के टाइम पे ये मिलेट ईयर है, तो मिलेट भी पीछे नहीं रहना चाहिए, तो मशरूम विद मिलेट हमने ये कुकीज़ बनाई हैं। और ये पूरा जैसे फास्टिंग कंसेप्ट पे बना हुआ है, इसमें सिंगाड़ा आटा, राजगीरा आटा, मशरूम रात्रि वगैरह में लोग हाँ खा सकते हैं। मशरूम पाउडर भी एडेड है, और कई जगहों पे, कई स्टेट्स में मशरूम को भी फास्टिंग में कंसिडर कर लिया गया है, तो उसी कंसेप्ट हमने ये बनाया, बहुत हेल्दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। थैंक यू। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मशरूम वेस्ट प्रोडक्ट का ये स्टॉल जो प्रदेश पवेलियन में लगा हुआ है, और यहाँ पर बेटी इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये लगाया गया है। इसके साथ ही जो पराली की समस्या से राजधानी वासी जूझ रहे हैं, उससे भी समाधान दिलाने की कोशिश है। जो आप तस्वीरों में ये कटोरियाँ छोटी छोटी देख रहे हैं, ये एग्रीकल्चर के जो वेस्ट पार्ट होते हैं, जो पराली होता है, उससे ये बनाया गया है, और लोग इससे अपने घरों में इंडोर प्लांट रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही मशरूम पाउडर आपको मिलेगा, इसके साथ ही मशरूम पाउडर से बना नमकीन मिलेगा। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर उपलब्ध है, और एक इनोवेटिव आइडिया के तौर पर जो एक सोच थी एक शहर से निकलकर उसको अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने की ये कोशिश हो रही है। और दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में ये प्रोडक्ट अब रखा गया है, और लोगों को काफ़ी हदों तक ये समझ में आ रहा है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। और आने वाले दिनों में इनकी कोशिश है कि इसको और भी, ये तमाम जो प्रोडक्ट है इसको लोगों तक फैलाया जाए, इसके लिए अब कोशिशें जारी।